दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक बेहतरीन प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक बेहतरीन सा मॉडल आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन, वो आपको टॉप क्लास का देखने को मिलेगा। और मैं आगे ये बारंदा भी डिजाइन किया है, ये विलेज के लिए बेस्ट हाउस डिज़ाइन है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे जो कि डबल स्टोरी में मैंने क्रिएट किया है विथ कार पार्किंग, और एक बेहतरीन सा मॉडल होने वाला है। अगर आप ये मॉडल क्रिएट करवाते हैं तो आपका जो लुक होगा फ्रंट एलिवेशन बिल्कुल हट के होने वाला है। इसी को आज हम डिफाइन करेंगे। तो बने स्टूडियो में लगातार मैं हूँ पवन झागड़े, और अब हम इसको जूम करके आपको दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर जूम करके आपको इसके दिखाता हूँ तो आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिलेगा बाकायदा, इसमें क्या बना हुआ है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपको इसका जो बीम का डिज़ाइन है, फ्रंट एलिवेशन है, और इसके रेलिंग का जो डिज़ाइन है, और ये जो मैंने रेड कलर का देख रहे होंगे, ये खपड़ैल टाइप का डिज़ाइन, ये सारा देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। अब हम इसके बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर पर क्या बना है पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, लगातार नए नए मॉडल्स मिलते हैं। आप जब भी घर बनवाने जाएँ तो आप हमारे एक बार चैनल पर आएँ तो आपको एक नया आइडिया मिलेगा घर बनवाने का। आप यहां से आइडिया लेकर अपना घर बनवा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो दोस्तों ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसे और आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैंने वाइट कलर कॉम्बिनेशन रखा है और पूरा देखिएगा प्रॉपर तरीके। ये देखिए आपको सबसे पहले चार पिलर मिलते हैं, और इसके बाद आपको लगभग 8 से 9 फीट का एक बारंदा मिलता है फ्रंट में, जिसमें मैंने देखिए डेकोरेशन के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टेबल वगैरह डाल रखी है। फ्रंट में आपको ये देखिए बीम का डिज़ाइन है, ये आपका देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। इधर कार पार्किंग है। तो अब फ्रंट की बात करें तो आपको फ्रंट में दो बेडरूम मिलते हैं, जिसमें कि आपके अलग अलग डोर और विंडो मैंने दिया है। जो देखिए एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, और साइड में कार पार्किंग है आपकी। तो अगर अब हम बात करें इसके ओवरऑल ये डिज़ाइन की कि आपका कैसे होने वाला है, तो अब देखिए मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ बारंदा का पूरा लुक जो है। आपको जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये बारंदे में आप एंट्री कर जाएंगे, और ये दोनों बेडरूम है जिसका मैंने फ्रंट से बाहर से डोर और विंडो दिया है जो आप देख पा रहे हैं। साइड में यहाँ पर कार पार्किंग है, और ये देखिएगा लंबी लंबी कार पार्किंग है। और मेन एंट्री देखिए आप इससे बेडरूम के थ्रू भी अंदर जा सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक डोर दिया है, लेकिन मेन डोर आपका ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे घर में। और जैसे आप एंट्री करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको किचन मिल जाता है राइट हैंड साइड में। आप देखिए ये डोर लगा, आप अंदर जाएंगे, और किचन में वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिया है। अब देखिए जैसे आप हॉल में पहुंचते हैं तो इस कॉर्नर पर एक और आपका बेडरूम बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस बेडरूम को एक्सेस कर पाएंगे इस डोर और विंडो से। और इधर आपका ये देखिएगा ये जो एरिया, ये लेटेंट बाथ का आपका एरिया बन जाता है। इधर आपकी स्टेयर्स हैं जहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आएंगे, और इस कॉर्नर पर भी एक लेटेंट बाथ मैंने और बना दिया है। ओवरऑल आपको दो लेटेंट बाथ घर में मिलते हैं, तीन बेडरूम मिलते हैं, किचन मिलता है, एक डाइनिंग हॉल मिलता है। यहाँ पर देखिएगा डाइनिंग हॉल के लिए काफ़ी बड़ी जगह है, आप यहाँ पर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका कार पार्किंग मिलती है, और ये आपको बारंदा भी फ्रंट का एलिवेशन भी मिलता है। फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें तो ये पूरा देखिएगा प्रॉपर तरीके से आपका फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर मैंने डिज़ाइन करके आपको दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, मतलब कि जो इसके फर्स्ट फ्लोर पर क्या बना हुआ है वो आप देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों आपका फर्स्ट फ्लोर है, जैसे आप स्टेयर के माध्यम से ऊपर आएंगे तो ये देखिएगा ये कॉर्नर वाला बेडरूम बिल्कुल सेम है वैसा, ये वाला लेट एंड बाथ बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के तरीके से, डाइनिंग हॉल बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के तरीके से, और ये आपकी स्टेयर्स बिल्कुल सेम है लेट एंड बाथ इधर वाला, और ये किचन भी सेम है। सिर्फ आपका ये जो बेडरूम था फ्रंट, इसको मैंने जस्ट डबल कर दिया है, जो आपका बारंदा था उसको भी इसी में इंक्लूड कर दिया, तो आपका बड़ा सा एक हॉल मिल जाता है। और इसके बाद जो कार पार्किंग वाला एरिया था वो भी एक मैंने बालकनी में कन्वर्ट कर दिया, एक बेहतरीन से बालकनी। और इधर वाला जो आपका एरिया वो भी देखिए एज अ बालकनी मैंने क्रिएट किया है, आप इसे यहाँ पर किसी भी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बेडरूम या डाइनिंग हॉल जो भी चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए भी देखिएगा मैंने। तो ये आपका लुक फ्रंट का ऐसा होने वाला है। फर्स्ट फ्लोर की जो बाउंड्री है, जो ग्रिल है, वो देखिएगा प्रॉपर तरीके से मैंने डिज़ाइन कर रखी है, नॉर्मल सा जो भी है आपका। और बीच में ये एक कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें आपका बेस्ट देखने को मिल जाए। यहाँ पर पिलर थे, ये सारा डिज़ाइन आप देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैंने क्रिएट किया।
अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। दोस्तों इसका लास्ट फ्लोर है जिस पे मैंने सिमिलर बिल्कुल चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री और स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना रखी है। बाद बाकी कुछ भी यहाँ पर छत पर नहीं क्रिएट किया है, ये छत को मैंने ढक दिया है गुमटी वाला। तो ये ओवरऑल बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है, जो कि 1200 स्क्वायर फीट में बना है, जो कि मैंने शायद आपको इसी स्टार्टिंग में नहीं बनाया। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें 30x40 फीट है, 30 फीट इसका फ्रंट है, 40 फीट इसकी लंबाई है। तो 30x40 में आपका बेहतरीन सो मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। ये मॉडल कैसा लगा आप हमें लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए नए नए मॉडल्स हम लाते रहते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।